हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है पालक के गिरवज यानी पालक के पकोड़े। अगर आप यूपी से हो तो आपको पता होगा गिरवज किसे बोलते हैं। गिरवज बेसिकली अरबी के पत्तों से बनता है, बट मैं आज आपको पालक के पत्तों से गिरवज की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसे आप दो तरीके से बना सकते हो। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, इसका टेस्ट बिल्कुल अरबी के गिरवज की तरह ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पालक को धुलकर अच्छे से छान लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और उसे महीन काट लेना है। मसाला बनाने के लिए लेनी है 5 कलियां लहसुन की, 4 हरी मिर्च, 4 लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच जीरा धनिया काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट बना लेंगे। पालक में 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच खटाई पाउडर, और फिर पिसे हुए मसाले को ऐड कर लेंगे 2 चम्मच। फिर बेसन ऐड करके अच्छे से बाइंड करेंगे। बेसन उतने ही ऐड करना है जितने में अच्छे से बाइंडिंग हो जाए पालक की। सारे मसाले मिक्स हो गए हैं और अब अच्छी बाइंडिंग भी हो रही है। पकौड़ों को स्टीम करने के लिए एक बर्तन में 2 गिलास पानी डालकर ऐसा जाली वाला बर्तन रख देंगे और उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। फिर हैंड्स पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर पालक के मिक्सचर को ऐसे रोल बना लेंगे। ये ऐसे रोल बना लेना है। ऐसे ही सारे मिक्सचर का रोल बनाकर स्टीम करने के लिए रख देंगे। अब इसे लीड से कवर कर देना है और 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। पकौड़ों को तलने के लिए बैटर बना लेते हैं। 1 कटोरी बेसन, 3 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच खटाई और 2 चम्मच पीसे हुए मसाले जो हमने तैयार किया था, अच्छे से मिक्स करके बैटर बना लेना है। और इसे चेक कर लेते हैं, ये रेडी हो गया है। आप इसे टूथपिक या नाइफ से चेक कर सकते हो। आप इसे 2 तरीके से फ्राई कर सकते हो। इसे शैलो फ्राई करने के लिए पैन में 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के लिए इसे बैटर में डिप करेंगे और इसके पकौड़े तल लेंगे। आप इसे दोनों तरीके से ही फ्राई कर सकते हो, दोनों में ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, ये पालक के गिरवज रेडी हो गए हैं। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जो टेस्ट अरबी के पत्तों के गिरवज में आता है, वही टेस्ट इन पालक के पत्तों के गिरवज में भी आता है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।